सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्ष का समर्थन जुटाने में जुटे। इस कड़ी में मंगलवार को केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी, जिसके बाद अब उन्होंने दावा कर कहा है कि उन्हें ममता सरकार का साथ मिल रहा है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, दिल्ली के लोगों को कल ममता दीदी का साथ मिला। जब मोदी सरकार संसद में दिल्ली के लोगों के खिलाफ बिल पेश करेगी तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी दिल्ली वालों के हक में उसका विरोध करेगी। दिल्ली के लोगों की ओर से मैं दीदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दिल्ली सीएम ने अपने ट्वीट में आगे बताया कि वो आज मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। दरअसल केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीमो देशव्यापी समर्थन जुटाने में लगे। सीएम केजरीवाल ने बीते दिन पश्चिम बंगाल जाकर ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और तमाम मंत्री राजभव चड्ढा के साथ तमाम मंत्री मौजूद थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सरकार जो दिल्ली सरकार के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई है उसका हम विरोध करेंगे। ममता ने अन्य सभी दलों से इस मामले पर ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, हम मिलकर राज्यसभा में बीजेपी को हरा सकते हैं। इस दौरान ममता ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा, ईगो की भी एक लिमिट होती है, क्या जो भी मर्जी में आए क्या वो किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये डर है और मोदी सरकार आज डरती नजर आ रही है। हालांकि अध्यादेश को लेकर जो विवाद देखा जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर इसका विरोध ज्यादा बढ़ता है विपक्षी पार्टियों की तरफ से तो बीजेपी अध्यादेश वापस लेगी। SP9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।